इलाके में इस वक्त जो चल रहा है प्रोडक्शन जो इस वक्त हार्वेस्ट किया जा रहा है उसके तहत लोग काफी परेशान हैं। रास्ते में गाड़ियों को रोका जा रहा है, फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा है, 6-7 दिन गाड़ियां नेशनल हाईवे पे ब्लॉक रहती है, जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री को काफी नुकसान पहुंचा और लोगों को जो ऑर्चिडिस्ट है, जो ये इस काम के साथ मुंसलिक है, उनको काफी नुकसान पहुंच रहा है और रेट्स भी काफी गिर गिरे हुए हैं। हम सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं क्योंकि ये रियासत के जीडीपी को काफी हद तक कंट्रीब्यूट करता है, 10,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है और इसके साथ साथ हर एक शोभा इन्वॉल्व है। चाहे आप सॉ मिल्स को देखें जो बॉक्सेस बनाते हैं, आप कार्डबोर्ड फैक्ट्रीज को देखें, आप इकोनॉमी के बाकी जितने भी वैल्यू एडिशन होते हैं इस चीज में, सब लोग इसके साथ मुंसलिक है। दवाइयों का जो इसके छिड़काव किया जाता है, दवाइयां जब होती है वो इंडस्ट्री इस पे डिपेंडेंट है, तो इस वक्त बहुत बड़ा धक्का लग रहा है हमारी इस इंडस्ट्री को, जिसके साथ तकरीबन 40 लाख लोग इस रियासत के वाबस्ता है। इसमें करीब 8-8.5 लाख फैमिली इस काम के साथ मुंसलिक है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की शरह जो है वो रोज बढ़ती जा रही है। इस वक्त करीब 38% अनएम्प्लॉयमेंट रेट रियासत जम्मू कश्मीर है। ये एक वाहिद शोभा है जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट और सस्टेनेंस और लाइवलीहुड फराहम करता है, लेकिन आज ये बहरान का शिकार है। इस सिलसिले में आप लोगों को तकलीफ दी गई, आपके माध्यम से हम सरकार तक पहुंचना चाहते हैं ताकि फैसिलिटेट किया और इंटरवीन किया जाए, ताकि लोगों को जो मुश्किलात है इस वक्त उसका अजाला कहीं ना कहीं से निकाला जाए। यही गुजारिश है कि ये जो हमारा फैसिलिटेट करें, यहाँ से जो ट्रक्स जा रही है उनको तुरंत अपने जो फ्रूट मंडीज है उन तक पहुंचाया जाए और थोड़ी सी प्रोटेक्शन भी चाहे। इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे कहा जाता है कि बाकी मुल्कों से भी जो फ्रूट है उसको बगैर टैक्स यहाँ पे भेजा जाता है, जबकि हमारे जो यहाँ से जाते हैं उनको जगह जगह पे टैक्स लगाया जाता है। तो इससे भी गुजारिश की जाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश की जा रही है, यहाँ की सरकार से गुजारिश की जा रही है, इसको प्रायोरिटी बेसिस पे देखे ताकि यहाँ के लोग जो ऑलरेडी कई सारे मुश्किलात से दो चार है और यहाँ बहुत सारा डिस्ट्रेस है हमारे समाज के अंदर, वो खत्म करने में मदद हो सके।